कुछ गड़बड़ जरूर है। आखिर जिया ने इतनी शराब पी के कि वो अभी तक सो रही है। जिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की हरकत करेगी। हमारे घर में आज तक किसी ने शराब को छुआ तक नहीं, और जिया बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। हे भगवान, इस लड़की ने तो फंसा दिया मुझे। मैंने इसे शराब पीने से मना किया था, ना जाने कहां पीकर आई है। पता नहीं घर के लोग क्या सोच रहे होंगे। बाबा आप परेशान मत होइए, एक बार जिया का नशा उतर जाए और वो नींद से जग जाए तब हम उससे पूछ लेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। उफ, निशना को जब होश आएगा तो इन सबके पास पूछने के लिए हजार सवाल होंगे। क्या जवाब देगी वो और क्या जवाब दूंगा मैं। जिया तो एकदम बदल गई है, अजीब लगने लगी है। अब रुक्मिणी जी, उस दिन मैंने इसे जीन्स में देखा, खिड़की के रास्ते उतरकर शोम के साथ न जाने कौन सी पार्टी में जा रही थी, वो भी सबको बिना बताए। उस दिन मेरे साथ बैठकर मजाक कर रही थी, और बाद में मुझे पता चलता है कि शोम को रास्ते पर बेहोश पड़ी मिली। घर से बाहर बिना बताए ही चली गई। बाबा, मुझे तो कभी कभी ये भी शक होता है कि ये जिया है भी या नहीं। तुम्हारा मतलब है ये जिया की कोई हम शक्ल या बहरूपिया है? हाँ, क्योंकि जिस जिया को हम जानते हैं ये वैसी बिल्कुल नहीं है। इसके बात करने का ढंग, उठने बैठने का तरीका, सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। बाबा, ऐसा लगता है मानो इस घर से कोई और जिया गई हो और वापस आई हो कोई और। क्या बात है शिखा, जिया को लेकर बहुत परेशान लग रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी यही लग रहा हो कि ये वो जिया नहीं है? बाबा, मुझे तो कभी कभी ये भी शक होता है कि ये जिया है भी या नहीं। ऐसा लगता है मानो इस घर से कोई और जिया गई हो और वापस आई हो कोई और। That's it. मिल गया मुझे। मुझे मेरी परेशानियों का हल मिल गया। हेलो, हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। शेखर, ये सब कैसे हुआ? हाँ? जिया कल रात किसके साथ थी? कहाँ गई थी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि जिया और शराब, हाउ इज इट पॉसिबल? ये डॉक्टर को भी बुलाया था, वो भी नहीं आया अभी तक। शोम, अरे मैं तो भूल ही गया कि बाबा तुम्हें हॉल में बुला रहे थे, शायद कोई जरूरी काम होगा। We'll be right back.
शेखर, शेखर अब उनका सर बहुत चकरा रहा है, अब उनके लिए एक कप कॉफी लाना। जा शट अप, अपना मुंह बंद रखो। क्यों, क्या हुआ? हेला, कल रात को अपुन सब ठीक तो था ना? तुम्हारी खबर तो मैं बाद में लूंगा, पहले मेरी बात सुनो। समझ गई? अच्छी तरह से याद रखना। नींद पूरी हो गई बेटा? कल क्या हुआ था? तुम नशे में रात को घर लौटे? आखिर तुमने शराब क्यों पी? हम सब लोग बहुत परेशान है बेटा। बताओ क्या बात है? वो बाबा, मेरा सर बहुत चकरा रहा है, मुझे नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। बाबा, ये इंस्पेक्टर जिया से मिलना चाहते हैं। सर ये अभी अभी हमने इस बाबा को गिरफ्तार किया है। इसके बारे में मालूम हुआ है कि ये लोगों को नशे की दवा पिलाकर लूटता है। और पांडे जी, कल की जो भक्तों की लिस्ट हमें मिली है उसके पास से, उसमें आपकी बहू का नाम भी है। इसीलिए हम जिया जी से कुछ पूछताछ करने के लिए यहां आ गए। जिया जी, इसे आप गौर से देखिए, क्या आप इसी साधु के पास गई थी? हाँ, ये तो बाबा गोरखनाथ है। बाबा वो मेरे और क्षोभ की शादी में काफी अड़चनें आ रही थी, मैं बहुत घबरा गई थी, और इन सब से छुटकारा पाने के लिए मैं गोरखनाथ बाबा के पास चली गई। मुझे उन्होंने कुछ पीने के लिए दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, हाँ मुझे याद आ रहा है, उन्होंने मुझे कहा कि ये देवी का प्रसाद है, तो मैंने पी लिया, और पीने के बाद पता नहीं मुझे चक्कर आने लगा, और फिर मुझे कुछ याद नहीं। और आपको नशे की हालत देख के उसने आपके सारे गहने उतार लिए? हाँ, मेरी चूड़ियाँ, मेरा हार। कोई नहीं, अभी ये हमारी गिरफ्त में है तो आपके गहने भी मिल जाएंगे। अच्छा, जिया बेटा, क्या जरूरत थी तुम्हें उस बाबा के पास जाने की? इतना रिस्क तुम्हें नहीं उठाना चाहिए ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। बेटा, आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। अब जिया को आराम की जरूरत है, इसे आराम चाहिए। और आप
आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? वो दिव्यानी ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ बैठता हूँ, वो आराम कर ले, तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए। समर चलो, तुम्हारा टाइम ओवर हो गया, अब मेरी बारी। भाभी ये सब क्या है? दरअसल नेत्रा, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग बारी बारी से तुम्हारी देखभाल करेंगे। मैंने तो चार चार घंटे पर अलार्म भी लगा दिया ताकि हमें नींद ना आ जाए या फिर हम भूल नहीं जाए। भाभी मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, सच। ये सब आप प्लीज अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, प्लीज प्लीज आप लोग जाइए। नहीं नहीं नेत्रा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें अच्छा लगता है तुम्हारी सेवा करना। दिव्यानी मैं तो कह रहा हूँ, अगर तुम थका हुआ महसूस कर रही हो तो तुम जाके सो जाओ, मैं बैठता हूँ यहाँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं जाओ, तुम जाके सो जाओ, वैसे भी कल तुम्हें पूरा दिन नेत्रा के साथ रहना है, जाओ सो जाओ। हाँ वो तो है, चलो ठीक है, गुड नाइट नेत्रा। निस्ना को? तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी शेखर कि तुम ऐसा कर सकते। मेरी जगह तुमने किसी और को लाकर रख दी। शेखर ना ही तुमने मुझे धोखा दिया बल्कि माँ बाबा और शोम को भी धोखा दिया। बोलो क्यों किया तुमने शेखर ऐसा, क्यों किया, जवाब दो। I'm sorry, Jia. Jia, this happened because of love. मैं तुम्हें बताने ही वाला था जिया। Please, please, Jia. Please मुझे माफ कर दो। तुम्हें क्या लगा था? तुम बहुत अच्छा मजाक कर रही हो। ए शाने, हाँ? तूने अपुन पे हाथ उठाया? अपुन पे हाथ उठाया तूने? अरे मेरे मामू ने भी कभी मुझे फूल की छड़ी से नहीं मारा है, और शाने तूने तो मन तो करता है कि तुम्हें अभी घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूँ। ए तो निकाल देना, हाँ? रोका किसने है? और मुझे भी यहाँ नहीं रहना। और एक बात, मैं यहाँ नहीं आई थी, तू अपुन को लेकर आया था। रुक, अभी तेरे घर वालों को जाकर बता दूंगी कि अपुन ने शराब क्यों पी थी, और अपुन ये भी बता देगा कि असल में मैं हूं कौन। नहीं सॉरी। क्या बोला तू? I'm sorry, निस्ना। मैं शायद गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। ठीक है चल चल आगे बोल। निस्ना मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत करना कि घर वालों को शक हो। और सुनो, मुझे जरूरी काम है, मैं शहर से बाहर जा रहा हूं, ध्यान रखना, बी कॉशियस। अरे बॉस चिंता नहीं करने का, मैं ख्याल रखूंगी। साला बिल्कुल लल्लू है रे तू। अरे तुझ जैसे हीरे की खान को छोड़कर अपुन कहीं नहीं जाएगी। चलो अच्छा हुआ अपुन को ये तो पता चल गया कि तुझे अपुन
आसानी से ब्लैकमेल कर सकता है। अक्षम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जो शक तुम्हें है ना, वैसा ही थोड़ा थोड़ा शक मुझे भी है। लेकिन तुम ही बताओ बेटा कि इस शक को दूर करने के लिए क्या किया जाए। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। कल हमें पता चल जाएगा कि जिया पर जो हमारा शक है वो सही है या नहीं। कल उसका इम्तिहान होगा। फाकन शेखर भी आने, ये बिल्कुल सही मौका है। इस बार तो शेखर भी उसे नहीं बचा पाएगा। ठीक है, आइला ये क्या है? क्या पांडे और क्षोभ को अपुन पर शक हो गया? नहीं 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 नहीं। हाँ बच्चा बोल, एक बात बताऊं, सुबह सुबह तू भगवान को याद करेंगे ना तो तेरा भला होएगा। अब वैसे भी तूने मरवाने में कोई कसर तो छोड़ नहीं रखी। ए देख मामू, तू अपना ना दिमाग मत खींच, पहले बोल दे। ये तू पहले बता, तू है कहाँ? काजला मामू, इन लोगों को अपुन पर शक हो गया है। उनको पता चल गया कि अपुन असली जिया नहीं है, कुछ प्लान किया है। क्या क्या बोल रही तू? क्या प्लान किया है? ये मुझे कैसे पता होगा? हाँ तू भी ना मामू, वो बुड्ढा है ना, वो शोम से फोन पर बातें कर रहा था, कुछ इम्तिहान लेना है ऐसे कुछ बोल रहा था। शेखर लाए सांग ना तू। मामू वो कहीं बाहर गया हुआ है। मामू तू जल्दी कुछ कर, वरना ना सारा भांडा फूट जाएगा। बोलते हैं मियां। हम करता हूँ। ठीक है। बाबा मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जिया नहीं है। हाँ सचमुच ये हमारी जिया नहीं है।